हेलो एश्योरेंस, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। एश्योरेंस, आज की वीडियो में मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड एग्जाम 2021 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो बोर्ड एग्जाम होने वाला था वह नहीं हुआ और विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन जो विद्यार्थी अपने अंक से संतुष्ट नहीं थे उन्हें री एग्जाम का ऑप्शन दिया गया और जिन विद्यार्थियों ने री एग्जाम दिया तो 2021 में जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में उनको देखने को मिला सेम यही क्वेश्चन पेपर था। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको अच्छे से शो कर देता हूं ताकि आसानी से आप देख सके किस तरह से री एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। यदि आप क्लास 10th के और भी पेपर देखना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम का तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सेकेंड चैनल नॉलेज बीम प्लस पर जाएं, वहां पर आपको बोर्ड एग्जाम का और भी क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर जो पेपर का इंटरफेस है कुछ इस तरह से है। सबसे पहले पेपर में अनुक्रमांक फिलअप करना है, उसके बाद नाम फिलअप करना है, इसके बाद पेपर का ये कुछ कोडिंग है। देख सकते हैं सन 2021 का अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर है। समय आपको 2 घंटे 15 मिनट दिया गया है और टोटल जो पूर्णांक वह 70 है और यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि जो आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट है वह क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके बाद दूसरा निर्देश यह है कि यह क्वेश्चन पेपर जो है वह सेक्शन ए और सेक्शन बी दो भागों में जो है वह बांटा गया और दोनों भाग जो है आपको करने अनिवार्य हैं। इसके बाद तीसरा निर्देश है रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट एंसरिंग देम, यानी प्रश्नों को आप पहले सावधानी पूर्वक पढ़ें उसके बाद ही आप आंसर लिखना क्या करें शुरू करें। इसके बाद यहाँ सेक्शन ए के अंतर्गत बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ए के अंतर्गत आपको निर्देश देखने को मिल रहा है कि अटेम्प्ट आइदर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, यानी चाहे तो पहला क्वेश्चन कीजिए अथवा क्वेश्चन दूसरा कीजिए। 8 नंबर का है, अर्थात अगर आप क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेगा, या फिर आप क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे तो भी आपको 8 ही नंबर मिलेगा। एक ही प्रश्न करना है, चाहे क्वेश्चन फर्स्ट कीजिए चाहे क्वेश्चन सेकंड कीजिए। इसके बाद अगला निर्देश है अटेम्प्ट आइडर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स, अर्थात आपको तीसरा प्रश्न करना है अथवा चौथा प्रश्न करना है। एक ही प्रश्न इसमें से करना है, चाहे तीसरा कीजिए या फिर चौथा, और आपका जो हर एक प्रश्न है चाहे तीसरा करें या चौथा आपका 8 नंबर का है। इसके बाद कह रहा है अगला निर्देश आइडर क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 7, यानी कि 7 मार्क्स। कहने का मतलब है चाहे आप क्वेश्चन 5 कीजिए या फिर क्वेश्चन 6 कीजिए, इसमें से कोई भी एक प्रश्न कीजिए आपको 7 नंबर मिलेगा। इसके बाद अगला निर्देश है अटेम्प्ट आइदर क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 8 मार्क्स, यानी आप क्वेश्चन 7 कीजिए अथवा क्वेश्चन 8 कीजिए आपको 8 नंबर मिलेगा। इसके बाद अगला जो निर्देश है क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको पूरा करना है और आपको इसके लिए 4 नंबर मिलेगा। तो सेक्शन बी के अंतर्गत देखिए निर्देश है क्वेश्चन नंबर 9 आपका 8 मार्क्स का है, पूरा इसमें करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका 7 मार्क्स का है, यह भी पूरा आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है और क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है उसमें से आप देख सकते हैं चाहे तो क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए या फिर क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए, 8 नंबर का मिलेगा, कोई भी एक कर सकते हैं आप। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला निर्देश है क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए अथवा क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए, आपका 12 नंबर का है, किसी एक क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, चाहे 14 वाला कीजिए या फिर क्वेश्चन नंबर 15 वाला आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका सेक्शन ए के अंतर्गत जो क्वेश्चन है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। तो कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, अर्थात नीचे आ रहा है पैसेज को पढ़िए और उसके बाद जो नीचे प्रश्न पूछा गया है उनके उत्तर दीजिए। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2022 में देने वाले हैं, क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, तो यह बुक जो है वह चेंज हो चुका है, अब एनसीईआरटी पैटर्न पर जो है बुक जारी कर दिया गया है। तो आपको अब यह जो पैसेज देखने को मिला है बुक में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले जो है आपका बुक चेंज हो चुका है, यह दूसरा बुक है एनसीईआरटी वाला है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे सेकेंड चैनल पर जरूर विजिट करें, वहां पर आपको प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट के अंतर्गत बी वाला है, जिसका उत्तर पैसेज के आधार पर लिखना है जो ऊपर दिया गया पैसेज, तो इस तरह से बी वाला प्रश्न है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी आ रहे प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आप लगभग 60 शब्दों में दीजिए। यहाँ पर ए और बी में से किसी एक का उत्तर आपको लगभग 60 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो अब बुक जो है वह चेंज हो चुका है इस साल, तो इसका मतलब है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम 2022 में होगा आपको पुराने वाली बुक से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, न्यू बुक जो एनसीईआरटी पैटर्न पे जारी किया गया है उससे क्वेश्चन आएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, यानी नीचे आ रहे प्रश्नों में से
दो प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक का 25 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर आपको दो प्रश्न का उत्तर देना है, ए बी सी करके दो तीन प्रश्न देखने को मिल रहा है, केवल दो ही प्रश्नों का आपको उत्तर देना है लगभग 25 शब्दों में हर एक प्रश्न का। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैचिंग से है, मिलान से, तो देख सकते हैं लिस्ट ए का सिमिलर मीनिंग से लिस्ट बी से मिलान करना, जैसे वास्ट मतलब विशाल होता है तो यूज मतलब विशाल, और एडमायर मतलब प्रशंसा तो अप्रिसिएट मतलब भी प्रशंसा करना, रिपुटेशन मतलब प्रसिद्धि तो फेम मतलब प्रसिद्धि, ऐसे मिलान करना है। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक तो अनविलिंग मतलब भी होता है अनिच्छुक, इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में करा है रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवेन बिलो इट, यानी जो आपको नीचे आ रहा पोएट्री की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं उन्हें आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उनके नीचे जो प्रश्न पूछा गया है उनके उत्तर देना है। तो देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से देख सकते हैं करा है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी आपको यहाँ पर ए बी करके दो पोएम का नाम दिया गया है, इन पोएम में से किसी एक पोएम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, नहीं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं पोएम लिखने के लिए भी आ रहा है और चार लाइन का पोएम आपको लिखना है, लेकिन वह पोएम इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो ऐसा आपको निर्देश है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं करा है आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स इच, यानी नीचे आ रहे प्रश्नों में से दो प्रश्नों का उत्तर आप हर एक प्रश्न का लगभग 25 शब्दों में दीजिए। तो देख सकते हैं ए बी सी करके तीन प्रश्न पूछा गया, केवल दो ही प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आपको आंसर के रूप में लिखना है। इसके बाद आपका यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह प्रारंभ होता है, तो यह आपका ट्रू एंड फॉल्स से है, तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स लिख दिया हुआ है, तो अगर आप दिए हुए हैं री एग्जाम तो मिला सकते हैं किस तरह से आपने सही किया है या गलत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने आंसर जो है टिक किया है, तो जो भी संभव था पेपर में आंसर आपको प्रोवाइड करने का वह मैंने किया हुआ है, ताकि आसानी से आपको पता चल सके कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका सेक्शन बी वाला जो प्रश्न है वह स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 10 से जो है स्टार्ट है, क्वेश्चन करा है डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी नीचे आ रहे कथनों के सामने जैसा निर्देश दिया गया है वैसा करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है 10वां का करा है कि करेक्ट सेंटेंस बनाइए, तो यहाँ पर पहले वाले का जो आपको देख रहे हैं ऊपर सेंटेंस देखने को मिल रहा है उसको सही क्रम में करना है, यानी उसमें जो आपको वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं वह आपका जंपलिंग है अर्थात इधर उधर है अव्यवस्थित है, तो उनको मैनेज करना है सही ऑर्डर में। तो यहाँ पर देखिए मैंने आंसर के रूप में लिखा हुआ है माई मदर बॉट अ कलरफुल बैग फॉर मी। इसके बाद देख सकते हैं बी वाला जो है आपका, यानी जो आपका दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत, तो आपका पैसिव वाइज बनाना है, और यहाँ पर देखिए इसका उत्तर मैंने लिखा हुआ है हिज वर्क वाज नॉट डन बाय हिम, ठीक है, इस तरह से पैसिव वाइज बनाया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका तीसरा वाला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 में, वो आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो ऊपर मैंने इनडायरेक्ट में चेंज किया हुआ है देख सकते हैं। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, तो आप यहां देख सकते हैं आपको करेक्ट फॉर्म जो है वह यूज करना है वर्ब का, तो यहां पर मैंने फिलअप किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कंप्लीट का आपको सही फॉर्म फिलअप करना है, तो मैंने वहां पर भरा हुआ है, आप देख सकते हैं आंसर के रूप में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट वाला यानी कि ए वाला प्रश्न है, देख सकते हैं किस तरह से है, तो इसमें आपको जो है करेक्ट प्रीपोजिशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर मैंने टिक किया हुआ है कौन सा प्रीपोजिशन आपका यूज होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए आता है, तो आप दो तरह से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए एक ऊपर मैंने लिखा है हार्ड वर्क यानी कठिन वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो इफ यू वांट टू पास, यदि तुम पास होना चाहते हो, तो आप जो ऊपर दूसरा वाला मैंने ऊपर लिखा है वह लिख सकते हैं, नीचे मैंने जो लिखा है टू पास द एग्जामिनेशन यह भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला ज्यादा बेटर है। इसके बाद आपका सी वाला प्रश्न देख सकते हैं किस तरह से है, आपको कंप्लीट वर्ड करना है यानी कि यहाँ पर आपको कुछ खाली स्थान देखने को मिला है, तो उसमें सही लेटर्स को फिलअप करना है, तो मैंने भरा हुआ है देख सकते हैं। इसके बाद पंक्चुएट करने के लिए आता है, तो पंक्चुएट करने के लिए कहाँ पर कैपिटल लेटर कहाँ पर स्मॉल लेटर कहाँ पर कामा कहाँ पर इन्वर्टेड कामा यह ध्यान देना होता है, तो वहां पर मैंने पंक्चुएट किया हुआ है आप देख सकते हैं द ग्रेट इंग्लिश पोएट, इसके बाद कामा देकर मिल्टन फिर कामा देकर वाज ब्लाइंड, तो यह नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग किया गया है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा, अर्थात हिंदी वाले आपको इस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो देख सकते हैं इधर भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं किस तरह से आपका है, लेटर राइटिंग से है अथवा करके भी पूछा है, किसी एक पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14 जो है वह स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हैं किस तरह से आपको कंपोजिशन अर्थात आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पर आपको कई टॉपिक देखने को मिल रहा है, केवल एक टॉपिक पर लगभग 60 शब्दों में लिखना है, तो 60 शब्द में ना लिखा करें, हमेशा ही आप जो है वह 150 शब्दों के आसपास लिखें तो ही बेटर है, या फिर 100 शब्दों से ऊपर ही, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलें। तो इस तरह से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें आपको एक पैसेज दिया गया, इस पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और इस पैसेज के आधार पर जो नीचे प्रश्न पूछा गया है उनका आपको उत्तर देना होता है। तो यह पैसेज है। इसके बाद देखेंगे तो इस साइड आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है, पैसेज का शेष भाग इधर भी है, तो आप यह दो प्रश्न देख सकते हैं, पहला दूसरा करके आपको इन्हीं प्रश्नों का उत्तर उस ऊपर दिए गए पैसेज के आधार पर देना है। तो स्टूडेंट्स यह था यूपी बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड एग्जाम 2021 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको मैंने यह क्वेश्चन पेपर अच्छे से शो किया, फिर भी अगर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई ना दिया हो तो वीडियो की क्वालिटी जो है यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ यदि आप क्लास 10th के और बोर्ड एग्जाम के पेपर देखना चाहते हैं 2021 का, तो हमारे सेकेंड चैनल नॉलेज बीम प्लस को विजिट करें, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है।